अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SN मोबाइल एंड रिपेयरिंग चैनल की आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास सैमसंग का मॉडल A14 यानी कि A14 जो कि चार्जिंग प्रॉब्लम में आया है। तो दोस्तों, सैमसंग के बहुत से मॉडल्स में ये प्रॉब्लम आती है और सैमसंग का जो मॉडल है A14 उसमें कॉमनली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि जब आप इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये चार्जिंग शो नहीं करता, लेकिन जब आप इसको ऑफ हालत में मोबाइल को ऑफ करते हैं और दोबारा चार्ज पे लगाते हैं तो फिर ये ऑफ हालत में चार्जिंग करता है लेकिन ऑन हालत में चार्जिंग नहीं करता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आया किस वजह से ये प्रॉब्लम सैमसंग A14 में आती है और आप किस तरह ईजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चार्जर को मैंने कनेक्ट कर दिया है लेकिन जो मोबाइल है वो चार्जिंग नहीं कर रहा। मैं आपको शो कराता हूँ, देखें मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा और जो हमारा चार्जर है वो कनेक्ट है। तो दोस्तों, इसको ऑफ करने के लिए इसके पासवर्ड लगा हुआ है, कस्टमर ने लगाया हुआ है जो कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों जब इसको हम ऑफ करते हैं तो ये चार्जिंग करता है लेकिन ऑन हालत में चार्जिंग नहीं करता। चलो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपके पास सैमसंग में मोस्टली अगर सैमसंग A14 में ये प्रॉब्लम जब भी आए तो आपने जस्ट मोबाइल को ओपन सेफली ओपन करना है और जस्ट आपने एक दफ़ा जो बैटरी होती है उसको आपने डिसेबल करके दोबारा उसको कनेक्ट कर देना है। तो मोस्टली जो सैमसंग के मॉडल होते हैं और मोस्टली जो सैमसंग A14 है उनमें ये प्रॉब्लम बैटरी को डिसेबल करने के बाद दोबारा कनेक्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस मोबाइल को ओपन करते हैं। इसका जो बैक कवर था वो मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ था, तो इस कवर को हम रिमूव करते हैं और बैटरी को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो चार्जिंग जैक है वो भी ऑलरेडी चेक किया, वो भी बिल्कुल ओके था और इसके जो चार्जिंग फ्लेक्स थी वो भी बिल्कुल ओके थी। तो चले इसको हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों, इसके तमाम स्क्रू ओपन करने के बाद इसको हम इसको सेफली इसका जो कवर है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, रिमूव करने के बाद जस्ट हम एक दफ़ा इसका जो बैटरी कनेक्टर है बैटरी इसको एक दफ़ा रिमूव करेंगे और इसके जो कनेक्टर हैं उसको भी आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया और इसके जो फ्लेक्स है इसको भी आपने अच्छे से एक दफ़ा चेक करके दोबारा लगा लेना है और बैटरी को भी आपने अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। तो चले, दोबारा कनेक्ट करने के बाद अब हम इस पे चार्जर को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है, तो अब हम इसको ऑन करके चेक करेंगे कि आया ऑन करने के बाद भी मोबाइल जो हमारा है वो चार्जिंग करता है या नहीं, यानी कि चार्जिंग इंडिकेटर शो करता है या नहीं। तो चले मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल को मैंने ऑन कर दिया है और अब मोबाइल के ऑन होने के बाद हम चेक करेंगे कि मोबाइल का जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो शो होता है या नहीं। ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और हमारा मोबाइल जो है वो स्टिल चार्जिंग शो कर रहा है, यानी कि जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो शो हो रहा है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।
तो दोस्तों अगर आपके पास जब भी मोस्टली जो सैमसंग के आजकल न्यू मॉडल्स आ रहे हैं अगर इस प्रॉब्लम में आए तो आप जस्ट इसको सेफली ओपन करके इसकी बैटरी को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।